दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और रिलीज मूवी के बारे में बताएंगे जिसका नाम है कलयुग। दोस्तों इस मूवी की लीडिंग कास्ट में नजर आने वाले थे अजय देवगन, संजय दत्त, पूजा भट्ट, लीसा रे और गुलशन ग्रोवर जी। दोस्तों इसके अलावा इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट जी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था मुकेश भट्ट जी ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया था अनु मलिक जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट की। तो कलयुग एक धमाकेदार एक्शन मूवी होने वाली थी जिसमें हमें बॉलीवुड के एक्शन हीरो अजय देवगन और संजय दत्त जी लीड रोल में नजर आने वाले थे। अगर बात करें अजय देवगन जी की तो यह बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर एक्टर माने जाते हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में हमें एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में दी हैं और 90s के समय की इनकी फिल्में तो सुपर डुपर हिट भी रही हैं और ये फिल्म भी उन्हीं फिल्मों में से एक होने वाली थी। तो दोस्तों अब बात करें संजय दत्त जी की तो ये बॉलीवुड के मेगा एक्शन हीरो में से एक हैं जिन्होंने हमें एक से बढ़कर एक धमाकेदार फिल्में दी हैं और 90s से लेकर आज तक की इनकी सभी फिल्में ऑडियंस के दिलों पर राज कर रही हैं जिससे इनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और इन दोनों सुपरस्टारों का एक साथ आना ही इस मूवी के सुपरहिट होने का सिग्नल था। और अब बात करें फीमेल कास्ट की तो इस मूवी में हमें बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस पूजा भट्ट जी बतौर हीरोइन के रूप में नजर आने वाली थीं जिन्होंने अपने एक्टिंग के करियर में अधिकतर रोमांटिक फिल्में ही की हैं और इस मूवी में भी कुछ अलग अंदाज में दिखने वाली थीं। तो दोस्तों ये बात है साल 1993 की जब इस मूवी को अनाउंस किया गया था और अनाउंसमेंट के बाद इस मूवी की शूटिंग का भी आगाज कर दिया गया था लेकिन कुछ अनाउ रीजन की वजह से मेकर्स ने लीसा रे की जगह मनीषा कोइराला को साइन करने की सोची लेकिन मनीषा कोइराला जी डेट्स प्रॉब्लम की वजह से इस मूवी में नहीं आ सकी। फिर इसके बाद अभिनव टंडन जी को इस फिल्म में लेने का फैसला किया लेकिन बेबी डेट्स प्रॉब्लम और बिजी शेड्यूल की वजह से इस मूवी में नहीं आ सकी और फिर सोनाली बेंद्रे जी को इस फिल्म के लिए ऑफर मिला लेकिन प्रॉब्लम अभी कम नहीं हो रही थी क्योंकि अजय देवगन जी भी अपने बिजी शेड्यूल के कारण इस मूवी से दूर हो गए और इनकी जगह अतुल अग्निहोत्री जी को साइन किया गया और फिर संजय दत्त जी भी इसी वजह से इस मूवी से दूर हो गए और इनकी जगह मिथुन चक्रवर्ती जी को इस मूवी के लिए चुना गया। तो दोस्तों मेकर्स ने इस मूवी की पूरी कास्टिंग चेंज करके एक नई कास्टिंग के साथ इस मूवी को कम्प्लीट किया और इस मूवी का टाइटल भी चेंज करके नाराज रख दिया गया जो हमें साल 1994 में देखने को मिली। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि कलयुग मूवी अगर अजय देवगन और संजय दत्त जी के साथ बनकर आ जाती तो बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करती, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।